हेलो भाई, मैं अमन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा के बारे में, जो कि आप लोग सामने देख सकते हो। ये VXI मॉडल है, सबसे ज़्यादा सेल होती है। क्यों सेल होती है, क्या फीचर्स के साथ आता है, पहले प्राइसिंग की बात करें तो 9,82,000 के बीच में आपको शोरूम में देखने को मिल जाता है। वहीं ऑन रोड की बात करें तो अभी मैं इस वक्त हूँ मारुति सुजुकी अरीना, जो कि हजारीबाग झारखंड में अवेलेबल है। यहाँ पे इसकी प्राइस चल जा रही है 11,02,3 के बीच में। बाकी की से स्टार्ट करें तो कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें से दो बटन मिल जाता है, लॉक और अनलॉक। फ्रंट से स्टार्ट करें तो कुछ इस प्रकार का आपको फ्रंट में लुक मिल जाता है, पूरा प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ। एक आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिल जा रहा है, एक नॉर्मल हेलोजन बल्ब हेडलाइट सेटअप मिल जा रहा है। बाकी साइड टर्न इंडिकेटर यहाँ दे रखिए। पूरा आपको फ्रंट ग्रिल में क्रोम इंसर्ट मिलेगा, बीच में यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, नंबर प्लेट यहाँ कर सकते हो, नीचे भी आपको रेडी वाटर ग्रिल मिल जा रहा है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको फॉग लाइट नहीं मिलेगा, लेकिन हाउसिंग छोड़ रखिए, एज अ एसेसरीज आप लोग लगवा सकते हो। और ये जो ब्लैकआउट देख रहे हो, ये पूरा आपको इस बम्पर से लेकर उस बम्पर की ओर तक जाती है। फ्रंट लुक कुछ इस प्रकार का है। सामने आपको बोनेट में एजेस भी देखने को मिलेगा, जो कि इसको बहुत ही ज्यादा एरोडायनामिक बनाती है। यहाँ पे आपको दो वाइपर वॉशर भी मिल जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। विंडशील्स बड़ा सा दे रखी है। साइड प्रोफाइल की बात कर ले तो कुछ इस प्रकार का इस कार का साइड प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा मतलब प्रीमियम और लंबा लगती है। ये कार स्पेस के मामले में सबसे टॉप में आ रही है। बाकी टायर से स्टार्ट करें तो कुछ इस प्रकार का इसमें टायर मिल जाता है आपको, पूरा स्टील रिम के साथ। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिल जा रहा है। फ्रंट में जो ये कवर देख रहे हो, ये आपको एज अ कंपनी ऑफर करती है। इसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। जैसे ही कार को परचेस करोगे तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसमें आपको 185, एक बार मैं टायर सेक्शन दिखा दूँ तो 185/65R50 का इसमें टायर मिल जा रहा है, पूरा का पूरा ट्यूबलेस टायर मिल जा रहा है। अंदर जो आपको स्टेपनी मिल जा रहा है, वो भी आपको स्टील रिम के साथ मिल रहा है। यहाँ की बात कर ले तो आपको साइड टर्न इंडिकेटर यहाँ ORVM में मिल जा रहा है, और ORVM का पूरा कलर आपको बॉडी कलर में मिल जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगती है, पूरे के पूरे आपको LED साइड टर्न इंडिकेटर मिल जा रहा है। बाकी रियर से दिखा दूँ तो कुछ इस प्रकार का इस कार का रियर लुक। यहाँ पर आपको कोई भी डिफॉगर वॉशर वाइपर वगैरह नहीं मिलता, लेकिन अच्छी बात यह कि हाई स्पीड स्टॉप लैंप मिल जा रहा है। टेल लैंप की बात करें तो कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। यहाँ आपकी ब्रेक लाइट हो गई, ये साइड टर्न इंडिकेटर लाइट होगी, और जैसे ही कार को रिवर्स करोगे ये लाइट ऑन हो जाएगी। टेल लैंप कुछ इस प्रकार का दे रखी है। यहाँ पर भी आपको एजेस दिखने को मिलेगा, यहाँ पे सुजुकी के बीच में लोगो मिल जाता है, अर्टिगा वहाँ पर 3D में लिखा हुआ मिल जाएगा, और स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग इस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी चार आपको सेंसर मिल जा रहा है रिवर्स में, लेकिन कैमरा नहीं मिल रहा, जैसा कि ये VXI मॉडल है। बाकी बूट को एक्सेस करते हैं तो बूट को आप लोग यहां से एक्सेस कर सकते हो, और बूट ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का, जैसे कि ये थर्ड रो अभी फोल्ड है तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बूट स्पेस मिलेगा, लेकिन जैसे इसे आप लोग अप करोगे तो 203 लीटर का आपको बूट स्पेस इसमें मिलता है, ना मात्र या फिर नॉर्मली बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं थर्ड रो को ऊपर करता हूँ तो थर्ड रो फोल्ड होने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको बूट स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी आपको बूट में लाइट वगैरह नहीं मिल रहा, चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर आपको ट्विन किट वगैरह मिल जा रहा है, जिससे आप लोग टायर वगैरह चेंज कर सकते हो। बाकी करते हैं इस कार का बूट क्लोज और चलते हैं सीधे पैसेंजर साइड डोर। तो पैसेंजर साइड डोर यहां से आप लोग ओपन कर सकते हो, और ये भी पूरा का पूरा आपको बॉडी कलर मिल जा रहा है। ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का लुक दे रखिए, पूरा आपको बीच कलर का लुक मिलेगा, डुअल टोन वगैरह नहीं। ये आपको क्रोम के साथ मिल जा रहा है डोर ओपनर। बाकी लॉक अनलॉक यहाँ पे मिल जा रहा है, पावर विंडोज का कंट्रोल यहाँ मिल जा रहा है विद ब्लैक इंसर्ट के साथ। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्पेस, बोतल होल्डर, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग मैगजीन होल्डर या फिर पेपर होल्डर बोल सकते हो, वो सब रख सकते हो। यहाँ पे आपको स्पीकर का प्लेसमेंट मिल जा रहा है। इस कार में टोटल आपको चार स्पीकर मिल जा रहा है चारों गेट में, जिसमें से एक यहाँ पर प्लेस की गई है, और कुछ इस प्रकार का इसका इंटीरियर का लुक। थर्ड रो में भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, बस सिर्फ आपको लेग रूम नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर कप होल्डर मिल जा रहा है। AC वेंट यहाँ नहीं मिलेगा, थर्ड रो के लिए AC आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। बाकी सेकेंड रो भी आप लोग कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है। थर्ड रो और सेकेंड रो का ये जो हेडरेस है, वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए आप लोग यहाँ से भी अंदर जा सकते हो इसे फोल्ड करके, या फिर वो साइड से भी सेम यही लुक हुक दे रखी है, इसे फोल्ड अप करोगे, इसे अप करोगे तो वो भी सीट फोल्ड हो जाएगी, तो वहाँ से भी आप लोग थर्ड रो एक्सेस कर सकते हो। बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं मिल जा रहा, अंदर थाई सपोर्ट वगैरह भी ठीक ठाक है। आइसोविक चाइल्ड मोड का आपको ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जा रही है। ड्राइवर साइड जो सीट है, यहाँ पे कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं मिल रहा, लेकिन को ड्राइवर सीट में आपको पॉकेट वहाँ पे मिल जा रहा, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर आपको AC वेंट मिल जा रहा है, उसका कंट्रोल भी आपको यहाँ पे दे रखी है कंपनी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पेट्रोल से गुजरने के लिए वहाँ पर हुक दे रखी है। सेंटर में आपको लाइट मिल जा रहा है, फ्रंट में भी लाइट मिल जा रहा है। यहाँ पर और कुछ नहीं था, चार्जिंग सॉकेट आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ मिल जा रहा है, और AC वेंट एक बार मैं और बता दूँ यहाँ पर मिल जा रहा है। अब सीधा चलते हैं ड्राइवर साइड डोर। ड्राइवर साइड डोर आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हो, बाकी की लगा के, और सेंट्रल लॉकिंग तो दे ही रखी है। ड्राइवर साइड डोर ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का लुक है, पूरा का पूरा आपको बेज कलर लुक में देखने को मिलेगा। डुअल टोन यहाँ पर थोड़ा सा फिनिश दे रखी है,
ग्रे फिनिश बोल सकते हो, लेकिन डुअल टोन में यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये भी आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में मिल जा रहा है, लॉक अनलॉक यहाँ पर मिल जा रहा है, चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जा रहा है, और जो ड्राइवर साइड पावर विंडो है वो ऑटो डाउन और ऑटो अप के साथ आता है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे लॉक अनलॉक मिल जा रहा है, पावर विंडोज लॉक करने की स्विच यहाँ पे मिल जा रहा है, जो साइड डोर भी है उसे आप लोग इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड दोनों कर सकते हो, उसका कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस है बोतल होल्डर, और जैसा कि मैंने बताया मैगजीन होल्डर वगैरह इसे बोल सकते हो। यहाँ पर आपकी स्पीकर का प्लेसमेंट मिल जा रहा है, कुछ इस प्रकार का इसका डैशबोर्ड का लुक डुअल टोन में, ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा ब्लैक मिलेगा, नीचे आपको बीच कलर का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इसका स्टीयरिंग, फ्लैट बॉटम आपको स्टीयरिंग मिल जा रहा है, जिसमें से बीच में सुजुकी का लोगो है। एयरबैग आपको दो मिल जा रहा है, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड। कुछ है इस प्रकार का इसका सीट का लुक, पूरा आपको फैब्रिक सीट मिलेगा, साथ ही साथ साइड में हम भी मिल जा रहा है, जो कि कॉर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ड्राइवर साइड सीट आप सिर्फ रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हो, हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हो। बाकी तीनों पैडल आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, यहाँ पे इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जा रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जा रहा है, यहाँ पे हेडलाइट लेवल करने का बटन मिल जा रहा है। फ्रंट बूट आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हो, तीनों पैडल आपको मिल जा रहा है, और एक अच्छी बात ये कि डैट पैडल भी आपको मिल जा रहा है, कि आप लोग यहाँ लगा सकते हो। एसी वेंट 1, 2, 3, 4 यहाँ पर मिल जा रहा है, बाकी सेंटर में भी आपको एसी मिल जा रहा है। एक बार मैं बैठ कर दिखा दूँ, तो बैठने के बाद कुछ इस प्रकार का लुक मिल जाता है आपको यहाँ से डैशबोर्ड का और फ्रंट विंडोज़ का। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट्स का कंट्रोल मिल जा रहा है, 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें मिलता है, और यहाँ पर आपको कॉल उठाना काटना या फिर ब्लूटूथ वॉइस कमांड का बटन मिल जा रहा है। कुछ इस प्रकार का इसका मीटर कंसोल एनालॉग, और बीच में यहाँ पे MID मिल जाएगा, TFT MID, जिसे मैं एक बार ऑन करके दिखा दूँ। तो ऑन होने के बाद कुछ इस प्रकार का लुक है, बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ ये आती है। यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड का ब्रांडिंग मिल जा रहा है, ये आपकी किलोमीटर हो गई, उधर आपको RPM मीटर मिल जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर मीटर मिल जा रहा है, ये आपकी फ्यूल गेज हो गई, बीच में आपको MID मिल जा रहा है, जिससे आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे इसे पुश करोगे तो यहाँ पे जैसा कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है उसका साइन आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। ये जैसा कि स्मार्ट हाइब्रिड के साथ है, तो बैटरी पैक से कितना चार्ज है और कितना पावर जनरेट कर रही है वो सब सभी बता देगी। बाकी आप लोग इसे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, कितनी की एवरेज दे रही है, कितना रेंज है, फ्यूल वगैरह सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा, ड्राइविंग रेंज भी मिल जाएगा, और कुछ नहीं देखने को मिलता है। बाकी कुछ इस प्रकार का इसका म्यूजिक सिस्टम, जिसे मैं एक बार ऑन करके दिखा दूँ, तो ऑन होने के बाद कुछ इस प्रकार का लुक है, अगर वॉल्यूम कम हो जाए भाई तो ऑन होने के बाद कुछ इस प्रकार का लुक है। ये आपकी ब्लूटूथ सपोर्ट करती है, बाकी ऑक्स और USB दोनों सपोर्टेड इसमें देखने को मिलेगा, जिसकी प्लेसमेंट यहाँ पर दे रखी है कंपनी। यहाँ पे आपको ऑक्स मिल जा रहा है, यहाँ पे USB मिल जा रहा है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर मिल जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, मैनुअल AC मिल जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे हजार्ड का स्विच मिल जा रहा है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। सेंटर में आपको डे एंड नाइट IRVM मिल जा रहा है, जो कि मैनुअली एडजस्ट आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको सेंटर में लाइट मिल जा रहा है, जो कि रेगुलर बल्ब के साथ है। ड्राइवर साइड सनसेट की बात कर ले तो कुछ इस प्रकार का, जो कि टिकट होल्डर के साथ आती है, और को ड्राइवर साइड सनसेट में आपको सिर्फ और सिर्फ मिरर मिलेगा, लाइट वगैरह नहीं मिलेगा और टिकट होल्डर नहीं मिलेगा। ग्लव बॉक्स की बात कर ले तो यहाँ से आप लोग ग्लव बॉक्स ओपन कर सकते हो, और कुछ इस प्रकार का ग्लव बॉक्स है। डिसेंट्स का आपको स्पेस मिल जाएगा इस ग्लव बॉक्स में, क्योंकि ठीक ठाक आपको मिल जा रहा है, अपना पेपर वगैरह जरूरत का सामान रख सकते हो। सेंटर में आपको यहाँ पे दो कप होल्डर मिल जा रहा है विथ AC, यहाँ पे आपको AC का ब्लोअर भी मिल जा रहा है, अगर आपने बोतल वोतल कुछ भी यहाँ पर रखोगे तो वो हमेशा ठंडा रहेगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत अपना फोन वगैरह पैड वगैरह रख सकते हो। ये इसका 5-speed गियर बॉक्स, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जा रही है, हैंड ब्रेक यहाँ मिल जा रहा है, आर्मरेस्ट वगैरह इस कार में नहीं आता, बाकी और कुछ नहीं इसमें। जो भी इंटीरियर में था मैंने सब कुछ बता दिया, अब सीधा चलते इंजन सेक्शन की ओर। तो अब इंजन सेक्शन की बात किया जाए तो इसमें आपको 1.4 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड DOSC इंजन मिलता है, जो कि 5-speed गियर बॉक्स के साथ आता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही आपको सेम इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें CNG पैक भी आता है, उसमें भी आपको सेम इंजन ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। पावर फिगर की बात कर लें तो 103 BHP का पावर जनरेट करता है 113 Nm टॉर्क के साथ। माइलेज की बात कर ले तो जैसा कि ये स्मार्ट हाइब्रिड पैक के साथ है, तो ये आपको हार्डली 15 से 18 के बीच का माइलेज आराम से निकाल कर दे देगा। कैसे लगी ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताना, कैसे लगा ये कार नीचे कमेंट करके बताना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करते हो जाना, ऐसे ही कार बाइक से रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सेफ, बाय।